सिवान के बरहड़िया स्टैंड के पास कुछ बात को लेकर कहा सुनी हो गई और ट्रैफिक पुलिस ने जमकर कर दी एमआर की धुनाई। डॉक्टर के साथ वो सिवान आ रहा था। पीछे चली लगी गाड़ी आ जाता हम लोग भाई। थाना का गाड़ी था पीछे से, उसने रुकने का इशारा किया। वो गाड़ी वहाँ पे डॉक्टर संजय कुमार भी थे साथ में, उन्होंने रोका गाड़ी को और गाड़ी रोकने के बाद फिर वो थोड़ा सा बोला कि सर हम जाएं, तो बोला कि जो कुछ नहीं बोला, वो थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ा दिया। डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर संजय कुमार भी पीछे बैठे हुए थे। जब बढ़ा दिया तो एक पुलिस वाला, क्या नाम था उसका, संतोष मोच रखता है, सिंघम ट्रैफिक पुलिस है, वो नाटे कद के हैं। उन्होंने जबरदस्त लाठी से लाठी बरसाना स्टार्ट कर दिया, जो कि डायरेक्टली सर पे लगी है, जो कि इंजरी हुई है। और उस इंजरी में समझिए कि जो अगर इतना ही नहीं किया गया, मारने के साथ इतना ही नहीं किया गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, और डायरेक्ट थाना मिले। हम लोग अभी कहाँ पे आए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे एसपी साहब के पास आए हैं। हम लोग का FIR भी दर्ज नहीं किया गया है। हम लोगों की तत्काल मांगे यही है कि FIR दर्ज, अटेम्प्ट टू मर्डर में केस दर्ज किया जाए, तत्काल सस्पेंड करके उस अपराधी वो भी जो भी आरोपी पुलिस है उसको अरेस्ट किया। अपना नाम बताइए। और डॉक्टर संजय कुमार से अपना नाम बताइए। नहीं, अभी तत्काल मांग है कि तत्काल सस्पेंड करके उसको 307 के केस में अरेस्ट किया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, हमारे लीडर अभी बात कर। पूरा मामला क्या हुआ था, किस तरह से मारपीट हुआ, क्यों मारा, गुंडागर्दी थी, क्यों मारे, क्या मामला था? बस कोई मामला नहीं था, उसने बस वाले को ना रोके, हम लोगों की गाड़ी को रोकने गया, बस वाले को ना रोका, बस वाले आगे आ रहे थे लगभग सबके, हम लोग की गाड़ी को रोका। अभी आप एसपी साहब से मिलने गए थे, क्या आश्वासन मिला, क्या बात? साहब ने बोला कि उन पर सस्पेंड के लिए केस किया जाए। अपना नाम बता दे। कुमार की कहाँ का मामला है? पूरा फतेहपुर था, अपने नर्सिंग होम जाना था, तो कोने पे ही उधर से एक बस आ रही थी, हमारी गाड़ी थी। ये जो ट्रैफिक जो लड़का था वो क्या कि हमारी गाड़ी के ऊपर डंडा मारा, ठीक, और फिर उसके बाद वो जो हमारा लुकिंग ग्लास है उसको झटके से मारा उसने। तो मैं उसको बोला कि भाई क्या तरीका है, ठीक। ये पूरे मामला कहाँ का है? ये फतेहपुर बाईपास का है, बाईपास का है, ठीक। तो मैं उसे बोला कि भाई ये क्या तरीका है, तो वो मुझसे बहस कर रहा था। उसी मेरे साथ एक लड़का MR था, वो कह रहा था भाई तुम कैसे सर से कैसे बात कर रहे हो, एक्चुअली बड़ा वो रफ लैंग्वेज मुझसे यूज कर रहा था। तो वो लड़का जब उससे बात करने गया तो फिर उसके बाद उन लोगों ने ये 3-4 लोगों मिल के उसको बहुत बुरी तरीके से मारे, ठीक। हम लोग सिर्फ उसके वर्दी का रिस्पेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वहां पे तकरीबन आप 500 लोग हैं, आप सबसे वहां पता करके पूछ सकते हैं क्या हुआ है। अभी ये लोग अलग अलग तरह की बातें बना रहे हैं कि लड़के ने हमारे साथ बदतमीजी की, लड़के ने कोई बदतमीजी नहीं की, वो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए गया। अगर मैं वहां नहीं होता तो 5 लोग और 50 लोग में बड़ा मॉब को ये लोग संभाल नहीं सकते थे। किसी बड़े अधिकारी से आपसे बात हुई है, शिकायत? मैं वहां पे जो उनका सीनियर था मैं उनको मैं बताया, पर जो उनके सीनियर थे कुछ नहीं कर पाए। उनका सीनियर जो था, जो जूनियर था, वो सीनियर की बात सुनने को राजी नहीं था। और उसके बाद हम लोग सब लोग कहे कि चलो भाई अब चलते हैं थाने में, टाउन थाने में। ये सब हमें बदतमीज से पकड़ के गाड़ी में, मुझे 2-4 जो लोग थे सबको पकड़ के गाड़ी में नगर थाना में ले गया। पूरे रास्ते पर ये गाली गलौज करते हुए गाड़ी में मतलब जितनी गंदी गंदी गाली दे सकता है वो गाली दिया। और हमारे साथ जो 4 लड़के थे उनको भी वो बुरी तरह से मारा गाड़ी में। कौन मारा, कौन? ये जो 5 लोग थे उसमें, अब नाम तो लेना मुझे पता नहीं। आप अभी SP से मिलने आए हैं, क्या उम्मीद रखते हैं SP से? एकदम मैं चाह रहा हूँ कि इस पे लीगल एक्शन लिया जाए, सस्पेंड किया जाए उसे, क्योंकि हम लोग तो एक समाज के सभ्य आदमी हैं और हम लोग कोई गलत कदम नहीं उठा सकते हैं। हम लोग जाएंगे कहाँ, कानून के पास जाएंगे? जब कानून हम लोग साथ ऐसा करेगा फिर तो बड़ा मुश्किल है। आप अभी मिले हैं SP साहब ने, आपसे क्या बोला? नहीं, अभी मिला नहीं, मैं जा रहा हूँ। सर मिलने जा रहे हैं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार सिंह है। आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोग धरना नहीं देंगे, कोर्ट में जाएंगे, जो भी हो करेंगे हम। अपना नाम बताइए पूरा। डॉक्टर संजय कुमार सिंह। खड़ा होकर के देखा कि ये लड़का जा रहा था, उनसे कहा कि हमें आप जाने दीजिए, मेरा कॉल छूट जाएगा। उन्होंने कहा बहुत बड़े गुंडे बन रहे हो, बहुत बड़े ये बन रहे हो। उसके बाद से जो है तुरंत उस पे लाठी चलाने लगे, ठीक है। उसके बाद संजय सर वहाँ पहुँचे, संजय सर ने कहा क्यों इसको मार रहे हो, ऐसे क्यों मार रहे हो? तो बोला कि तुम डॉक्टर हो, तुम तो गुंडा हो, तुम डॉक्टर नहीं हो। वो प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर के बैठे हैं, लिस्ट लगवा दी।
कि संजय सर जो है गाली दे रहे थे डॉक्टर के साथ आप अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये कहाँ की अच्छी बात है? और अगर कोई गलती करता है तो ये पुलिस का कौन सा नियम है, आप उसको अरेस्ट करिए, कायदे से करिए, आप दंड, आपको ये अधिकार कानून ने नहीं दिया है कि वो आप पे हमला नहीं कर रहा था, वो एक आतंकवादी नहीं था, एक रेपिस्ट नहीं था, कि आप उस पे डंडा चला रहे हैं। आप अपने नाम बताइए। मेरा नाम रूपी पांडे है।